लेकिन ये संपूर्ण आज पटकथा भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिखी गई। लग रहा था कि चुनाव आयोग का जो फैसला है वो या तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में लिखी गई हो या बिरसा मुंडा राजपथ में उनके कार्यालय से लिखी गई, ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था। संवैधानिक संस्थाएं, माननीय राज्यपाल जी जब रांची आए तो उन्होंने विमान पत्तनम में उतरते हुए कहा कि मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है कि चुनाव आयोग ने किसी भी तरह का पत्र भेजा है। ये मीडिया के सामने उनका वक्तव्य है। मैं राजभवन पहुंचूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो बात माननीय राज्यपाल को नहीं मालूम वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मालूम, यह अजीब विडंबना। भारत के निर्वाचन आयोग से आज हम यह मांग करते हैं कि उनके अभिमान, उनके स्वायत्तता के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ करने का काम किया। उनको स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे व्यक्ति जो संसद का भी सदस्य है कि केवल सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए, उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इफ एनी, यदि कोई सरकारी दस्तावेज है उसको यदि आप सार्वजनिक कर रहे हैं जिसमें आप सक्षम नहीं हैं, तो आप पे इस संविधान के अवमानना के लिए आप पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो हमारा जब नेता है और उसका विकल्प हेमंत सोरेन है, ये देश में आईन है या नहीं है? हम आईन के तहत ही चलेंगे और पूरे मजबूती के साथ हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही है, 2024 तक बड़े मजे में चलेगी और सबको जो जो कमिटमेंट है उनको हम पूरा करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।